दोस्तों आज की जो वीडियो है एक होलसेल बिजनेस की अकाउंटिंग से रिलेटेड है। दोस्तों अगर आप किसी एक ऐसी होलसेल एजेंसी का अकाउंटिंग वर्क मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे उस होलसेल एजेंसी के अंडर में आपने अलग अलग सिटी वाइज कस्टमर आपने बना रखे हो या फिर अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में आपने अलग अलग कस्टमर बना रखे हो, तो इस तरीके से आपके शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की अगर लिस्ट देखें तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ऐसे में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है जब हम अलग अलग शहर से पेमेंट कलेक्ट करनी हो तब, क्योंकि दोस्तों जब हम टेली सॉफ्टवेयर में हमारे कस्टमर का लेजर हम बनाते हैं तो उसका ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं सैंडरी डेप्टर। तो इस तरीके से जो शहरी क्षेत्र का भी जो कस्टमर होगा उसका भी अंडर रहेगा सैंडरी डेप्टर। और जब हमें पेमेंट कलेक्ट करने की बारी आती है और हम पर्टिकुलर किसी एक शहर में विजिट के लिए जा रहे हैं तो हमें इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है भी हमने इस शहर से टोटल पेमेंट है जो कितनी कलेक्ट करनी है। क्योंकि जब भी आप टेली सॉफ्टवेयर में बैलेंस शीट पे आके देखोगे और सैंडरी डेप्टर पे आप इंटर प्रेस करोगे, तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो आपको टोटल सैंडरी डेप्टर की लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी भी आपने कौन से कस्टमर से कितना पेमेंट है जो कलेक्ट करना है। अब इस लिस्ट में आपके ग्रामीण क्षेत्र के भी कस्टमर शामिल है और शहरी क्षेत्र के भी कस्टमर शामिल है, तो इसमें आपको पर्टिकुलर एक सिटी से कितना पेमेंट कलेक्ट करना है इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर आपको पता है कि कौन सी सिटी में कौन सा कस्टमर है, किस नाम से उसका लेजर बना हुआ है, तो आपको यहाँ से एक एक लेजर है जो सेलेक्ट करके और उसका बैलेंस आपको अपने नोटबुक में या फिर डायरी के अंदर नोट करके लेके जाना होता है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, किसी भी टीडीएल फाइल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, जिसे हम बोल सकते हैं कि देसी जुगाड़ के तरीके से हम अलग अलग सिटी वाइज एक ही क्लिक के साथ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी सिटी से हमें कितना पेमेंट कलेक्ट करना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, अगर आप अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए, ट्रिक पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, आप टेबली सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों मैंने एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट करके और कुछ इसमें मैंने सेल की ट्रांजेक्शन करी है कस्टमर वाइज। तो सबसे पहले हमने जो हमारे सिटी वाइज जो कस्टमर हमने बना के रखे उसकी डिटेल हम देखते हैं। तो मैंने एक एक्सेल में एक सिंपल चार्ट हमने बना के रखा हुआ है और इसके अंदर हमने हमारा जो हेड ऑफिस है वो श्री गंगानगर लेके रखा हुआ है। अब हमारी जो एजेंसी है, हमारा जो बिजनेस है, वो ही अलग अलग शहर में काम करता है, यानी कि हमने अलग अलग शहर में अलग अलग कस्टमर बना रखे हैं। तो इससे हम देख रहे हो हमारा जो रायसनगर जो सिटी है, उस रायसनगर सिटी में हमने ये टोटल 5 कस्टमर के साथ इनके साथ डीलिंग करते हैं। इसी तरीके से ये गैसिंगपुर है, गैसिंगपुर भी हमने इस तरीके के 5 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम डील करते हैं। इसी तरीके से गंगानगर के लोकल के हैं और श्री विजयनगर के अलग अलग कस्टमर हैं। तो दोस्तों मैंने इसी के आधार पर यहाँ पे इन सभी को सेल किया हुआ है। तो हम एक बार टोटल ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं। टोटल ट्रांजेक्शन देखने के लिए गेटवे टेली पर आएंगे और उसके बाद में हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे और उसके बाद में इस डे बुक के ऑप्शन पर आएंगे और हम डे बुक पे जाके और F2 करके हम टोटल ट्रांजेक्शन ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें टोटल है जो 20 सेल के इनवॉइस हमने इशू किए हुए हैं 001 से लेके और 20 तक, और ये सभी उन कस्टमरों के नाम हैं जो अभी हमने इस एक्सेल शीट में देखे हैं। तो दोस्तों इससे अब होगा क्या, जैसे हम हमारी टोटल कलेक्शन हमें देखनी हो कि हमने रायसनगर से टोटल कितना पेमेंट कलेक्ट करना है, तो इसकी अगर हमें रिपोर्ट देखें, बैलेंस शीट में जाएंगे हम और सैंडरी डेप्टर में जाएंगे, तो डेप्टर में टोटल जितने भी हमारे कस्टमर है इसके अंदर सभी सिटी के जो अलग अलग सिटी वाइज है वो आपको यहाँ पर कॉमन दिखेंगे। तो इसमें आपको पर्टिकुलर एक शहर का अंदाजा लगाना, एक सिटी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको एक अलग अलग लेजर चूज करना पड़ेगा, जैसे कि श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी है तो इसका लेजर आपको सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा कि आपने श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी से कितना पेमेंट कलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको फिर दूसरा लेजर को ढूंढना होगा कि कौन उस बालाजी ट्रेडर से कितना पेमेंट कलेक्ट करना है। तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा पाने के लिए आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा सिंपल, तो जिसे कि हम सिटी वाइज जो एक ही क्लिक के साथ बैलेंस देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कंपनी ओपन करी हुई है, आप इसमें देख सकते हो एक स्मार्ट इंटरप्राइज 11 है और एक ये स्मार्ट इंटरप्राइजेज है जो 10 है। दोनों में बिल्कुल सेम ट्रांजेक्शन है लेकिन हम आपको एक में
सिंपल डेप्टर रखेंगे और एक में सिटी वाइज डेप्टर रखेंगे, तो आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा भी इस ट्रिक से एक बिजनेस को कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों हम जो चेंजिंग करेंगे वो इस स्मार्ट एंटरप्राइजेस 10 में ही करेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लिया है चार अलग अलग सिटी का, आपके पास चार भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन ट्रिक अब वो बिल्कुल सेम इस तरीके से काम करेगी। चाहे आप सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटर आपने बना रखे हो, चाहे आपका बिजनेस है जो छोटे शहर में है लेकिन आपके कस्टमर है जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, तो आप अपने विलेज के अकॉर्डिंग यानी कि गाँव के नाम से अलग अलग आप सेंडी डेप्टर की लिस्ट तैयार कर सकते हो। कैसे तैयार करेंगे वो हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें, जैसे हमारे पास चार अलग अलग सिटी है, तो हम चार अलग अलग सिटी के नाम से ग्रुप को क्रिएट कर लेंगे। तो ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हम गेटवे टेली पर आएंगे, क्रिएट पर आएंगे और ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा सिटी है वो रायसिंहनगर है, तो हमें यहाँ पर एक रायसिंहनगर डेप्टर्स के नाम से एक ग्रुप को क्रिएट करेंगे और उसका जो अंडर रखेंगे सेंडरी डेप्टर में रखेंगे। इस तरीके से रायसिंहनगर डेप्टर्स, और इसका जो ग्रुप रहेगा अंडर में वो सेंडरी डेप्टर ही रखना है, और इसको हम करेंगे सेव। और इसी तरीके से गैसिंगपुर डेप्टर्स, इसी तरीके हम डेप्टर्स की लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं और सेंडरी क्रेडिटर की भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं भी, हमने कौन से शहर में कितना पैसा देना है। तो इस तरीके से लोकल का हो जाएगा श्रीगंगानगर डेप्टर्स, और एक रह जाएगा श्री विजयनगर डेप्टर्स अंडर में सेंट्रल डेप्टर्स। तो इस तरीके से हमारे जो चार सिटी है, चारों सिटी का ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमने जो लेजर क्रिएट कर रखे हैं उनको एक एक कर को अब हमें वापस मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी कि अल्टर करना पड़ेगा। किस लिए करना है वो हम देखते हैं। इसके लिए हम अल्टर पर आएंगे, लेजर पर आएंगे, और उसके बाद में सबसे पहले हमने जो रायसिंहनगर सिटी में हमारे कस्टमर हैं उनकी लिस्ट देखेंगे। तो रायसिंहनगर सिटी में श्री ट्रेडिंग कंपनी है लेजर पे, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी को, श्रीराम ट्रेडिंग कंपनी। और अब जो पहले लेजर जो बना हुआ था वो अंडर में इसका ग्रुप था सेंडरी डेप्टर, अब हम यहाँ से इसको सेंडरी डेप्टर को रखने के बजाय हम यहाँ पे जो अभी हमने ग्रुप क्रिएट किया है रायसिंहनगर डेप्टर्स का, इसके अंडर में हम इसको रखेंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से जो सेकंड कस्टमर है यानी कि बालाजी ट्रेडर्स के नाम से, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और ये भी हमारा रायसिंहनगर का डेप्टर्स है तो हम इसको रायसिंहनगर डेप्टर के साथ सेलेक्ट करेंगे। तीन नंबर लेजर हमारा रामदेव ट्रेडर्स, और इसको भी हम अंडर में रखेंगे रायसिंहनगर डेप्टर्स के। और फोर्थ कस्टमर हमारा KK एंटरप्राइजेस, इसको भी हम रखेंगे रायसिंहनगर डेप्टर्स। और उसके बाद में सुथार ट्रेडिंग, और इसको भी हम रखेंगे रायसिंहनगर डेप्टर्स, और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन हम सेम उसी तरीके से फिलअप करेंगे जिसे नॉर्मल लेजर हम क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने रायसिंहनगर के अंडर में थे जो सभी का ग्रुप चेंज करके रायसिंहनगर अंडर में रख दिया, इसी तरीके से जो गैसिंगपुर के हमारे कस्टमर हैं जैसे कि VS एंड कंपनी, अब इसका जो ग्रुप है हम यहाँ से इसको उठा के गैसिंगपुर डेप्टर्स में रखेंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से सारे जो हमारे कस्टमर हैं उनको एक एक करके हम जितने भी हमने ग्रुप बनाए हैं उनको ग्रुप वाइज अंदर में रखते जाएंगे। तो दोस्तों मैं फटाफट इनको एक बारी इनकी जो सेटिंग कर देता हूँ मैं, गैसिंगपुर जिनको अंडर में कौन से के लेजर को कौन से ग्रुप के अंडर में रखना है, फिर हम इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे फाइनल रिजल्ट हमें किस तरीके से शो होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी का जो लेजर का ग्रुप है वो चेंज कर दिया है सिटी वाइज ग्रुप में। अब दोनों में हम फर्क देखते हैं क्या फर्क मिलेगा। सबसे पहले हमने जो कंपनी ओपन करी है वो स्मार्ट एंटरप्राइजेस 10 हमने ओपन करी हुई है, और इसका हम लिस्ट देखते हैं। बैलेंस शीट में हम जाएंगे और Alt+F1 के साथ डिटेल ओपन करेंगे, और इसमें आप देख रहे हो इसके जो टोटल सैलरी डेप्टर जो आ रहे हैं 6,75,010 रुपये और 74 पैसा। और इस तरीके से हम सेकंड कंपनी को ओन करेंगे जिसका नाम है स्मार्ट एंटरप्राइजेस 11, और इसमें हम बैलेंस शीट देखेंगे और सैलरी डेप्टर देखेंगे, तो इन दोनों में जो अमाउंट अब वो बिल्कुल सेम है 6,75,010 रुपये और 74 पैसे। अब दोनों में फ़र्क आएगा, सबसे पहले हम
11 पे सेंडे डेप्टर पे जाके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पहले की तरह बिल्कुल कॉमन लेजर की लिस्ट है जो शो हो रही है। और हम इसमें हम जाएंगे 10 नंबर में और इस पे सेंडे डेप्टर पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपको यहाँ पर टोटल सिटी वाइज सेंडे डेप्टर की लिस्ट है जो शो होगी, जैसे कि गैसिंगपुर डेप्टर्स, रायसीनगर डेप्टर्स, श्रीगंगानगर डेप्टर्स और श्री विजयनगर डेप्टर्स। और इसकी आपने कौन सी सिटी से आपने कितना पेमेंट कलेक्ट करना है उनकी अमाउंट आपको सामने शो होगी। दोस्तों अब अगर आपको ये चीज़ देखना हो कि हमने टोटल रायसीनगर से टोटल पेमेंट कितना कलेक्ट करना है तो रायसीनगर डेप्टर्स पे आप आओगे और इसके टोटल अमाउंट है जो आपको 18,138.38 पैसा है। और कौन से कस्टमर से कितना पैसा लेना रायसीनगर से आप इस पर एंटर प्रेस करोगे तो केवल आपको इसमें रायसीनगर डेप्टर्स के ही कस्टमर आपको शो होंगे। अब जैसे कि हमारे इस एक्सेल शीट में देख सकते हो, भी एक्सेल शीट में हमने रायसीनगर में केवल ये 5 कस्टमर के लिस्ट हमने तैयार करी है, ये 5 लेजर हमने टेली सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया है और उनका जो ग्रुप है वो अंडर में हमने रखा था रायसीनगर डेप्टर्स में। तो आपको केवल आप जैसे रायसीनगर डेप्टर्स हम सेलेक्ट करेंगे तो आपको रायसीनगर के लेजर ही शो होंगे। और इसी तरीके से अगर आपने गंगानगर, आप श्री गंगानगर डेप्टर्स पे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको केवल श्री गंगानगर के जो अंडर में आपके जो रिटेलर हैं, आपके जो कस्टमर हैं, उनका नाम शो होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बिजनेस में पेमेंट कलेक्ट करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पर्टिकुलर एक शहर पे जाके एंटर मारोगे, श्री विजयनगर डेप्टर्स पे जाके एंटर पे प्रेस करोगे तो आपको केवल इसमें विजयनगर के डेप्टर के ही कस्टमर की लिस्ट आपको शो होगी, जिसे कि आप आसानी से अपने पेमेंट कलेक्ट में देख सकते हो। आप यहाँ से इस बात से भी अंदाजा आप लगा सकते हो भी आपके कौन से शहर में, कौन सी सिटी में, कौन से गांव में आपके पेमेंट जो सबसे ज़्यादा कलेक्ट करने वाली चल रही है। आप देख रहे हो इसमें सबसे जो बड़ी अमाउंट जो दिख रही है आपको वो 2,38,021.34 रुपये की है। और यहाँ देखोगे तो ये श्री विजयनगर डेप्टर्स है, यानी कि इससे आपकी बिजनेस का ये आइडिया लगता रहता है भी आपको सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग की जरूरत है वो कौन सी सिटी में है। इस पे एंटर प्रेस करोगे तो इसमें कौन से कस्टमर से सबसे ज़्यादा पेमेंट कलेक्ट करनी है तो उसका अंदाजा भी आपको यहाँ से लगता रहेगा, क्योंकि अदरवाइज यहाँ से आप कॉमन देखोगे 6,75,000 में, जैसा कि हम इसमें देखेंगे तो इसमें आपको पर्टिकुलर इस बात का अंदाजा नहीं चलेगा कि कौन से शहर से हमने सबसे ज्यादा पेमेंट कलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल कॉमन आपको इतना शो होता रहेगा कि आपने टोटल 6,75,010.74 रुपये मार्केट से कलेक्ट करना है, कौन से शहर से करना है ये यहाँ से आपको पता नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बिना TDL फाइल के हम सेंडे डेप्टर के जो लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजिली तरीके से। तो दोस्तों अगर आज की ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियो जो लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।